कोरोना वायरस का कहर ऐसा है कि लोगों में डर का माहौल है। अगर किसी के घर में किसी की मौत भी हो रही है तो वो अपने परिवार के मेंबर के शव को हाथ लगाने से भी डर रहे हैं। लेकिन हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मदन लाल जी से, इसलिए इनके साथ मुलाकात करवा रहे हैं क्योंकि ये पहले से ही जो लावारिस शव होते हैं उनका संस्कार करते हैं। और जब से कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ है, लॉकडाउन लगने के बाद, अब तक मदन लाल जी अभी भी आप जो है संस्कार करवा रहे हैं, अभी तक जो लॉकडाउन लगने के बाद कितने शवों का संस्कार जो है कर चुके हैं, कहाँ कहाँ के ये शव थे? मैं लॉकडाउन के बाद 9 शवों का संस्कार कर चुका हूँ, जिसमें 5 जो थे पंजाब एरिए के थे, 4 जो थे चंडीगढ़ एरिए थे। पहले एक तो पंजाब के तरन तारण एरिए से आया था, जो कि पीजीआई केस रेफर हुआ था, वहीं उसकी डेथ हुई। लॉकडाउन के बाद कोरोना वायरस के क्योंकि मरीज आ रहे हैं, कोई डर नहीं थी, कोई चिंता नहीं था आपको कि ये जो है शख्स जिनका शव आप लेकर जा रहे हैं लावारिस शव को, उसको कोरोना वायरस भी हो सकता है? जो मेरे पास केस आए हैं वो जब पोस्टमार्टम हुआ था तो मैंने उन लड़कों से पहले पूछ लिया था, क्योंकि इसमें कोई केस ऐसा तो नहीं है कि जिसमें कोरोना का सिम्टम दिखते हो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कोरोना का इसमें कुछ नहीं है, ये कुछ नेचुरल डेथ हैं, कुछ रोड साइड एक्सीडेंट की डेथ हैं, तो इसलिए फिर डर की बात नहीं थी, तो हमने उसका संस्कार कर दिया। मदन जी, क्या इस दौरान ऐसे जो मामले सामने आ रहे हैं कि लोग जो हैं अपने घर के मेंबर्स को भी जो शव हैं उनको हाथ लगाने से डर रहे? हाँ, ये कैसे लोगों में बहुत डर है, तो लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि WHO की जो रिपोर्ट है कि डेड बॉडीज में ये संक्रमण जो है नहीं होता है, और उसके बाद भी जो हॉस्पिटल में डेथ होती है तो वहाँ से जो बॉडियाँ पैक होकर निकलती हैं उसमें पूरी एहतियात बरती जाती है, उसमें पूरा जो उनका जो सैनिटाइजेशन का काम है वो किया जाता है, तो बॉडी के बाद में ऐसा कोई नहीं रहता है, लेकिन फिर भी लोगों में डर है कि शायद हमें ना हो जाए। यहाँ तक डर है कि लोग अस्थियों तक भी उठाने के लिए नहीं आते हैं, शायद अस्थियों में ही कहीं वायरस ना रह जाए, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, लोगों को में थोड़ा सा भ्रम पैदा हो गया ज्यादा ही। तो कह सकते हैं कि हर जगह पे ही ये दिक्कत जरूर है, जो लोग हैं वो अस्थियां लेकर जो है नहीं जा सकते, प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, तो लोग अब अलग अलग तरीके से जो है अस्थियों को बांध के जा रहे हैं पेड़ों के साथ। लेकिन इसके बीच ही मदन लाल एक कहीं ना कहीं मिसाल है कि जिस दौरान लोग डरे हुए हैं उस दौरान भी वो अपना जो सेवा है जो काफी सालों से वो कर रहे हैं उसको उन्होंने जारी रखा हुआ है। कैमरामैन प्रदीप चहल के साथ नितिका महेश्वरी, जी मीडिया, चंडीगढ़।